हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए IGL यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 842 करोड़ की टोटल कमाई कर ली है इस साल में इसने, और साथ में डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। चलिए जानते हैं स्टॉक को। डेट फ्री स्टॉक है ये, जीरो डेट की कंपनी है, और थोड़ा डिटेल में जानते हैं फंडामेंटल, टेक्निकल और साथ में रिजल्ट और डिविडेंड। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, फिर आप नए व्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सीधे लेके चलता हूं आपको इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। 313 का ये शेयर का प्राइस है। आज शेयर मार्केट में उछाल के साथ साथ ये स्टॉक भी अपर बैंड पे बंद हुआ है। बढ़िया जंप मैं कहूंगा 2.5% का इसमें भी देखने को मिला। अब सबसे पहले बात आती है इसके फंडामेंटल्स की। 22,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जीरो डेट की कंपनी है, सबसे बेहतरीन बात यह है। पी रेशियो 30 के आसपास है, अर्निंग पर शेयर 10 के आसपास है, इंट्रिंजिक वैल्यू ऑलमोस्ट 400 की है इस स्टॉक की। चलिए भाई बढ़िया बात है। कितना डिविडेंड कितना देता है देखिए, हर बार ये देखिए, पिछली बार इसने 2 रुपये का डिविडेंड दिया था, और उससे पिछले साल देखिए 2017 में 5 रुपये का डिविडेंड दिया था। इस बार जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो सबसे पहली बात है, ये रिजल्ट जो अभी 8 बजे के आसपास ये रिजल्ट आया है, यानी कि भी 8 बजे के आसपास से रिजल्ट आया है 24 मई को, तो मतलब लेटेस्ट रिजल्ट आपके पास है। 2.40 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और प्रॉफिट कितना रहा वो देखते हैं। प्रॉफिट अगर मैं आपको सीधे दिखाऊं तो देखिए 842 करोड़ का प्रॉफिट फॉर द पीरियड पूरे साल का है, जो कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में 721 करोड़ का था। तो आप देखिए सीधे सीधे बढ़िया जंप है 121 करोड़ का पूरे साल का अगर देखा जाए। लेकिन यहाँ पे अगर हम 3-3 महीने करके देखें तो इस क्वार्टर में 225 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, जो कि पिछले क्वार्टर में 200 करोड़ से भी 1898 करोड़ का था। तो बढ़िया जंप यहाँ पे ऑलमोस्ट 27-28 करोड़ का ये जंप है। लास्ट ईयर की बात करूँ मैं अगर मार्च की, तो 174 करोड़ का प्रॉफिट था, तो इसके कंपैरिजन में भी अच्छा जंप है। ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं कहूँगा बेहतरीन ये प्रॉफिट कमाया है IGL ने। अगर आप ओवरऑल इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस देखें तो बेहतरीन तरीके से इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी, और बढ़िया ग्रोथ दिखाया है। ये देखिए कहाँ 100 करोड़ 130 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, अब 842 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखाया है। चलिए ये तो अच्छी बात है। और शेयर में अगर आप टेक्निकली देखें शेयर को, जब अब पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखिए, पिछले साल 5 साल में बढ़िया गवर्नमेंट थी, तो इसने कितना कमाया पिछले 5 साल में यहीं पे देखें तो ये शेयर पिछले 5 साल पहले 80 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। बढ़िया इसने एक नया हाई जरूर बनाया था यहाँ पे 340 के आसपास का। फिर उसके बाद ये 2018 जो है बहुत बुरा साल रहा था, इसमें करेक्शन आई और इसने 220 के लेवल को टच किया था। आप खुद देखिए ये 340 का शेयर 220 के आसपास आ गया था, और वहीं पर इसको स्ट्रांग सपोर्ट मिलना था और मिला, और उस सपोर्ट मिलने के बाद देखिए बिल्कुल शेयर ने वापसी, ये अक्टूबर के बाद तो बढ़िया शेयर मार्केट में जो उछाल रहा, तो अक्टूबर के बाद इसने भी बेहतरीन तरीके से क्लियरली देखने को मिला है जंप, और ट्रेंड लाइन के आसपास अभी फिर आया ये। अब इस रिजल्ट के बाद उम्मीद है कि फिर से इसमें जंप देखने को मिलेगा। अब सबसे मेन बात यहाँ पे स्टॉक में आपको टेक्निकल लेवल पर 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ, वो देखिए वो ये है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक, जब इस स्टॉक ने गिरावट स्टार्ट करी थी तो क्लियरली यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस मुझे देखने को मिल गया था पहले ही, वो आपको भी देखने को मिल जाएगा। देखिए RSI भी साथ के साथ देखते रहा कि ये स्टॉक पे आपको क्लियरली सारी चीज़ें विजिबल होंगी। तो ये देखिए जब इसने हाई बनाया था तो RSI टॉप पे था, ओवरसोल्ड 80 के लेवल को पार था, लेकिन उसके बाद देखिए अगले टाइम पे RSI बिल्कुल नीचे आ गया, और स्टॉक प्राइस हाई जा रहा है लेकिन RSI नीचे आ रहा है, मतलब प्राइस हाई है लो वॉल्यूम के साथ साथ, और वीकनेस दिख रही है क्लियरली, और ये वीकनेस आप देखिए बिल्कुल कहाँ निचले लेवल पे इसको ले आई। चलिए वो तो ठीक है। फिर सेकंड टाइम पर जब इसने अभी लो बनाया तो उस लो के साथ साथ देखिए वो लो जो बना वहाँ पे जो अपसाइड पोटेंशियल था वो देखिए, वो RSI पे क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। जो अप ट्रेंड लाइन है, डाउन ट्रेंड लाइन है, वो RSI बिल्कुल आपको क्लियरली दिखाता है, और वही तरीके से RSI बढ़ता गया। और नो डाउट 220 के लेवल पे किसी ने भी अगर पिछले 6 महीने में बाय किया होगा तो उसको देखिए कितना रिटर्न, ऑलमोस्ट 150% का वो रिटर्न इसमें कमा चुका होगा अक्टूबर से लेकर अब तक, और अभी भी बढ़िया रिजल्ट है और अच्छा करेगा। अगर हम देखें ये भारत पेट्रोलियम की जबरदस्त होल्डिंग इसमें है 22-22.5% की, और गेल इंडिया की 22-22.5% की होल्डिंग इसमें है, और बड़ी बड़ी जैसे LIC की जबरदस्त 6.5% की होल्डिंग है, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की होल्डिंग है, कोटैक ब्लू चिप फंड, और इस तरीके से बहुत बड़े बड़े LIC कॉरपोरेशन, PNGS फंड, अलग अलग फंड हाउसेज ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, इवन HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भी, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज ने इसमें खूब पैसा लगा रखा है। ये देखिए स्टॉक कौन सा है, IGL यानी कि गैस का, आपने देखा होगा दिल्ली NCR में पूरे IGL की पाइपलाइन बिछी हुई है, तो वही IGL का ये शेयर है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी व्यूअर्स यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर रहे थे कि IGL का रिजल्ट, तो अभी लेटेस्ट रिजल्ट अभी आया ही है, 8:30 बजे रिजल्ट अपडेट हुआ है, तो आपके लिए रिजल्ट है। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।